नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कोई परीक्षा हो जाए, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए और ये एग्जाम बिना किसी धांधली के हो जाए तो ये खबर बनती है। दरअसल बिहार में लगातार पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार एग्जाम्स में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। भले ही पेपर लीक को लेकर के बिहार सरकार ने बाकायदा एक लॉ भी, कानून भी बना दिया है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में पेपर लीक जैसी खबरें या एग्जाम्स में गड़बड़ी जैसी खबरें जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रहा है। बीते दिनों यानी रविवार को भी सिपाही भर्ती परीक्षा होता है और इसमें इस परीक्षा में एक अभ्यर्थी ऐसा निकलता है जो कि OMR शीट लेकर के ही भाग जाता है। इतना ही नहीं, उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस भी जब्त किए गए हैं और ये भारी गड़बड़ी करने के फिराक में था, जिसे पुलिस ने अब धर लिया है। बिहार पुलिस सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा के पांचवें चरण में रविवार को कदाचार के आरोप में अलग अलग केंद्रों से 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। आरा शहर के SB+2 विद्यालय केंद्र से 1 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच में विद्यालय प्रबंधन के 2 कर्मी भी संदेह के घेरे में आ गए। बिहार के लिपिक संतोष कुमार को भी, बल्कि उस परीक्षा केंद्र में तैनात वीक्षक यानी शिक्षक अमित कुमार फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जिले के पसौर गांव का निवासी लिपिक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला सचिव भी है। वीक्षक व लिपिक पर स्मार्टफोन लेकर परीक्षा हॉल में जाने का आरोप भी है। पुलिस ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्यवाही तेज कर दी है। बता दें तो सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा के पांचवें चरण में रविवार को पटना में OMR शीट की कार्बन कॉपी लेकर भागने के मामले में 4 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। बिहार शरीफ के PCP इंटर कॉलेज के पास ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक परीक्षार्थी को पकड़ा गया जो नवादा जिले का है। बेगूसराय के BP इंटर स्कूल से एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। वो लखीसराय के परीक्षार्थी रंजीत कुमार की जगह परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। औरंगाबाद में प्रश्न पत्र लेकर भागने के आरोप में 2 और मधेपुरा में 1 FIR दर्ज की गई है। इधर भोजपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर में 1-1 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में 1 को ब्लूटूथ तथा बेगूसराय, पूर्णिया और सहरसा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। गया कॉलेज में रविवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से सिपाही भर्ती परीक्षा के पांचवें चरण की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के बीच कुछ देर अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। हालांकि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। CCTV के तारों से लगे आग के कारण परीक्षा देने आए परीक्षार्थी परेशान हुए। तो देखिए, ये पूरा मामला बिहार के अलग अलग जिलों का है, जहां अलग अलग जगहों पर सिपाही भर्ती परीक्षा ली जा रही थी और हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी की खबर आई। कहीं कोई OMR शीट लेकर के भाग गया, कहीं किसी के बदले कोई और अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा देने लगा, कहीं कोई फ़ोन लेकर के परीक्षा केंद्र में एंटर कर गया, कहीं कोई ब्लूटूथ डिवाइस लेकर के परीक्षा केंद्र में एंटर कर गया। हालांकि इन तमाम फर्जीवाड़ी करने वाले लोगों को पुलिस ने धर लिया है और इन सब पर अब कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।